पिछले एपिसोड के एंड में देखा था कि तासमी और इज्जत एक साथ होते हैं और इस एपिसोड के शुरुआत में हमें दिखाया जाता है लवेक बोलता है यहाँ पर कुछ तो आ रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और वो होता है ये मिस्टीरियस सब बंदा। और फिर दिखाता है लवेक को जो कि छुप गया होता है और फिर यह बंदा बोलता है हेलो इंपीरियल कैपिटल, वापस आके अच्छा लग रहा है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं इज्जत तासमी को पकड़ लेती है और बोलती है तुम भाग क्या गए थे, मैं तुमको बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। और फिर तासमी बोलता है आप यहाँ पर क्या कर रही है, और फिर इज्जत बोलते हैं मैं यहाँ पर डेंजर बीस्ट को पकड़ने आया हूँ जो कि इंपीरियल कैपिटल में तबाही मचा रहे हैं, लेकिन रुक जा तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। फिर तासमी सोचता है अब तो मैं गया, अगर मैं कोई अच्छा बहाना नहीं दे पाया तब तो मेरा खेल खत्म। फिर तासमी बोलता है क्या वो बोलने से पहले आप मुझे जाने देंगी, और फिर इज्जत बोलती है बिल्कुल नहीं। फिर तासमी बोलता है मैं यहाँ पर अपने आप को टेस्ट करने आया था, मैंने सुना था यहाँ पर डेंजर बीस्ट है इसलिए मैं यहाँ पर आया था। फिर इज्जत बोलती है बहुत बढ़िया, तो क्या तुमने रेवोल्यूशनरी आर्मी को ज्वाइन किया, और फिर तासमी बोलता है नहीं अभी नहीं, मैं इसलिए यहाँ पर ट्रेनिंग करने आया हूँ। इज्जत तासमी की बॉडी को टच करते हुए बोलते हैं हाँ जितना मसल तुमने गेन किया है दिक्कत तो लगता है तुमने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग किया है, अच्छा हुआ कि यहाँ पर और कोई डेंजर बीस्ट नहीं है, लेकिन इन डेंजर बीस्ट की वजह से ही हम दोनों फिर से एक हो गए, प्यार कितनी अजीब चीज़ है ना। फिर इज्जत चिल्ला कर बोलती है एक डिजर्टेड माउंटेन के ऊपर इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस कैसे हो सकती है, तुम जो वहाँ पर छुप रहे हो जल्दी से अपने आप को जाहिर करो नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगी। और फिर यह मिस्टीरियस बंदा बाहर निकल कर बोलता है अब तुमने मुझे ढूंढ लिया तो शायद मुझे अपने टॉयस के साथ खेलना बंद करना होगा। फिर इज्जत बोलते है शायद तुम डेंजर बीस्ट के बारे में जानते हो तो जल्दी से पको। और फिर यह बंदा बोलता है माफ़ करना मैडम ये तो मेरा स्टाइल नहीं है, लेकिन अगर तुमको एक्साइटमेंट चाहिए तो मैं तुमको पूरा दूंगा वो भी मेरे इंपीरियल आर्म से। और फिर दिखाते वो अपने इंपीरियल आर्म को एक्टिवेट करता है जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा सर्कल बन जाता है, और फिर उस सर्कल से एक लाइट निकलती है और तासमी और इज्जत वहाँ से गायब हो जाते हैं। और आखिरकार इस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है और वह दिखाते हैं तासमी और इज्जत को जो कि एक डिजर्टेड आइलैंड पर अकेले होते हैं। और फिर तासमी इज्जत से बोलता है इज्जत क्या आप मुझे जोर से मार सकते हैं, अगर ये सब कोई इल्यूजन हुआ तो शायद हम इससे बच सकते हैं। और फिर इज्जत बोलते हैं हाँ ठीक है मैं समझ गई। और फिर तासमी भी अपनी आंखें बंद कर लेता है, लेकिन जैसे वो आंखें खोलता है तो इज्जत उसको किस कर रही होती है। फिर इज्जत बोलते हैं यहाँ पर जो कुछ भी है ये पानी ये हवा ये सूरज की गर्मी सब कुछ असली है, यहाँ पर आने से पहले हम जिस बंदे से मिले थे शायद उस बंदे ने किसी तरीके से हमको टेलीपोर्ट कर दिया। और फिर तासमी बोलता है लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। और फिर इज्जत बोलती है एम्पायर के पास 48 इंपीरियल आर्म्स थे और उसमें से एक स्पेस को भी कंट्रोल कर सकता था। फिर तासमी ये सुनकर सोचता है ये तो पागलपन है, और फिर वो सोचता है उसका इनकर्सर के तो ऐसे ही आता है। फिर इज्जत सोचती है आखिरकार वो बंदा था कौन। फिर इज्जत एक बर्फ का पिलर बनाती है और आसपास देखती है, लेकिन आसपास बस समुंदर ही होता है। फिर तासमी बोलता है आसपास तो बस पानी है, और फिर इज्जत बोलते है लेकिन यहाँ व्यू बहुत ही अच्छा है, ये तो बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम किसी डेट पर आए हुए हैं। और फिर दिखाते हैं समुंदर के अंदर से एक बहुत ही बड़ा जायंट मॉन्स्टर निकलता है जिसको देखकर तासमी बोलता है ये तो डॉक्टर स्टाइलिस के इंपीरियल आर्म के ट्रम्पकार्ड जैसा मॉन्स्टर है, पूरे के पूरे नाइट्रेट को भी इसके सामने टिकने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल हुई थी, क्या हम दोनों के पास जीतने का कोई चांस भी है। और फिर मॉन्स्टर तासमी और इज्जत के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, और फिर इज्जत अपने बर्फ के स्पाइक्स बनाकर बोलती है हमारे इतने अच्छे पल को खराब करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई, तुझे तो दर्दनाक मौत ही मिलनी चाहिए। और फिर दिखाते हैं इज्जत के सारे स्पाइक्स जाकर उस मॉन्स्टर के बॉडी पे लगते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर मरता नहीं वो बस गिरता है। और फिर तासमी इज्जत से बोलता है उसके सर पर वो जगह देख रही हो मुझे लगता है वो उसका वीक स्पॉट है। और फिर इज्जत बोलते हैं मुझे बिल्कुल ऐसा ही लगा था मेरे डार्लिंग। और फिर इज्जत अपने बर्फ के टील के ऊपर से एक जगह पर बर्फ इकट्ठा करके उस मॉन्स्टर के उस जगह पर हमला करते, लेकिन वो मॉन्स्टर आराम से डॉच कर लेता है, लेकिन तासमी उस बर्फ के ऊपर से आगे बढ़कर उस मॉन्स्टर के दिल पर जाकर मारता है जिस वजह से वो मॉन्स्टर वही पड़ी मर जाता है। फिर इज्जत बोलते हैं तुम्हारे लिए मेरा प्यार तो अब और भी ज्यादा बढ़ गया। और फिर दिखाते हैं एक और उस जैसा मॉन्स्टर उस बर्फ के टीले के ऊपर हमला करता है, लेकिन इज्जत बोलते हैं इस वाले को मेरे लिए छोड़ दो मैं इसको सबक सिखाती हूँ। और फिर इज्जत चुटकी बजा के हवा में से एक बहुत ही बड़ा बर्फ का टुकड़ा लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर मारती है, जिसको देखकर तासमी बोलता है यार ये तो एक अलग ही लेवल पर है, आगा में आखिरकार तुम इस लड़की को मारोगी कैसे। फिर एक अलग जगह सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तासमी बोलते हैं शायद वो दोनों आखिरी थे। फिर इज्जत बोलते हैं तो अपने खिलौने से उसका ये मतलब था तो शायद वो यहाँ पर अपने उस नए टाइप के डेंजर बीस्ट को पाल रहा होगा, इसके बाद हम इस पूरी जगह को घूम कर आएंगे, घबराने से कुछ नहीं होगा, यही अच्छा होगा कि हम अब इस बार शांत रहें। और फिर तासमी बोलते हैं हाँ जरूर। और फिर दिखाते हैं तासमी और इज्जत उस डिजर्टेड आइलैंड को एक्सप्लोर करने के लिए निकले होटल, जहाँ पर तासमी को तो बिल्कुल ही मजा नहीं आ रहा लेकिन इज्जत को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। और फिर दिखाते हैं रात का सीन जहाँ पर आसमान तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है, और फिर दिखाता है तासमी और इज्जत एक साथ होते हैं। तासमी बोलता है हमने पूरा दिन घूमा लेकिन हमें फिर भी कुछ नहीं मिला। और फिर इज्जत बोलती है मुझे पता चल गया है कि हम अभी कहाँ पर है, ये आइलैंड एम्पायर के साउथ ईस्ट की तरफ है, क्या तुम इसके मतलब समझे। तासमी
इस आइलैंड पर हम दोनों के अलावा और कोई नहीं है, तुम जो चाहो मेरे साथ कर सकते हो। फिर तासमी बोलता है, ऐसे वक्त तुम इतना मजाक कैसे कर सकती हो। और फिर तेजद बोलती है, क्योंकि मुझे पता है कि वापस कैसे जाना है, लेकिन इस काम में मुझे तुम्हारे पूरी कोऑपरेशन की जरूरत है। और फिर तासमी उसके पीछे जाते हुए बोलते हैं, मुझे सच में बहुत ही बुरी फीलिंग आ रही है। और फिर तासमी और इज्जत एक जगह पर आते हैं जहाँ उस पर्पल कलर की लाइट निकल रही होती है। इज्जत बोलते हैं, मुझे लगा ही था। और फिर तासमी बोलते हैं, तो क्या वो हमें उसी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं जहाँ पर उसने अपना मार्क पहले से छोड़ा हुआ हो। फिर इज्जत बोलते हैं, उसने जितना बड़ा सर्कल बनाया था, मुझे लगता है कि वो एक वक्त पर बहुत ही कम लोगों को ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर सकता है, और इसमें बहुत ही ज्यादा एनर्जी की भी जरूरत है, इसलिए वो ये बार बार भी नहीं कर सकता। और फिर तासमी बोलता है, तो अगर हम यहाँ पर ऐसे खड़े हैं तो गेट अचानक से ओपन हो जाएगा फिर से। और फिर इज्जत बोलते हैं, यह तो पहला रास्ता था, लेकिन दूसरा रास्ता बोलने से पहले मैं कुछ करना चाहती हूँ। और फिर तासमी बोलते हैं, हाँ जरूर। और फिर इज्जत तासमी को अपना दिल में लगाकर बोलते हैं, मैं तुम्हारे बारे में और भी जानना चाहती हूँ। और फिर तासमी पीछे गिरकर बोलते हैं, शांत शांत, अगर तुम्हें पूछना है तो तुम अच्छे से भी पूछ सकती हो। और फिर इज्जत बोलते हैं, अगर तुम चाहते हो कि मैं रुक जाओ तो मेरे एक सवाल का जवाब दो, तुम्हें तलवारबाजी किसने सिखाई। और फिर तासमी बोलते हैं, हमारे गाँव में एक मास्टर हुआ करता था और उसने ही मुझे ये तलवारबाजी सिखाई है। और फिर तासमी सोचता है, इस बात का फायदा उठाकर मैं इससे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ, ये लड़की तो मेरे बारे में पागल है, शायद मैं इसको अपनी साइट पर भी ज्वाइन करवा सकता हूँ। फिर तासमी बोलता है, इज्जत अब कैपिटल में तो पैदा नहीं हुई। और फिर इज्जत बोलते हैं, हाँ मैं नॉर्दर्न बॉर्डर के पास पैदा हुई थी, तुमने तो पार्टिस क्लैन का नाम सुना ही होगा। और फिर तासमी बोलता है, नहीं मैंने नहीं सुना, वो एक ऐसा क्लैन था जो कि डेंजर बीस्ट को मारने में स्पेशलिस्ट था, और मैं उस क्लैन के चीफ की बेटी थी। और फिर दिखाता है छोटी इज्जत को जो कि डेंजर बीस्ट का पीछे कर रही होती है, और फिर वो एक डेंजर बीस्ट के ऊपर जाकर उसका गला काट देती है। और फिर छोटी इज्जत अपने क्लैन में पहुंच जाते हैं, जहां पर जाकर वो अपने पापा से बोलते हैं, पापा देखो मैं क्या लाए हूँ। लेकिन उसका पापा बोलता है, लेकिन तुम्हारे पापा तो इससे बड़ा लाए हैं। और फिर दिखाते हैं उसके पापा का शिकार जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। फिर इज्जत बोलते हैं, खाओ या फिर खाना बन जाओ, यही हमारी किस्मत थी उस जगह पर, वहां पर बस हम और डेंजर बीस्ट थे। दिखाते हैं इज्जत चीटो की फाइट देख रही होती है, और वहां पर उसके फादर आकर बोलते हैं, लगता है फाइट खत्म हो गई है, इस चीटियों के क्वीन को तो वाकई उन्होंने खा लिया। और फिर इज्जत बोलते हैं, कमजोरों के साथ ऐसा ही होता है ना। और फिर उसके फादर बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, सिचुएशन तब भी ऐसी थी जब तुम्हारी माँ को उस डेंजर बीस्ट ने खा लिया था, चाहे मानो या ना मानो दुनिया ऐसे ही काम करती है। ये सुनने में तो बुरा लगता है, लेकिन तुम्हारी माँ मरी क्योंकि वो कमजोर थी। और फिर दिखाता है अगले सीन में इज्जत एक बहुत ही बड़े डेंजर बीस्ट को पकड़कर अपने गांव में आती है, लेकिन जैसे ही वो आती है वहाँ पर सब कुछ जल रहा होता है, जिसको देखकर इज्जत बहुत ही ज्यादा घबरा चुकी होती है, और वहाँ पर जितने भी लोग थे उन सभी को मार दिया गया होता है। वहाँ पर एक बंदा जिंदा होता है जिसको इज्जत पूछते है यहाँ पर क्या हुआ। और फिर वो बंदा बोलता है, नॉर्दर्न ट्राइब ने बॉर्डर पार करके यहाँ पर आकर हम लोगों को मारा, हमारे चीफ ने बहुत कोशिश की लेकिन उन लोगों ने वो ग्रुप बनाकर हमारे चीफ को मार डाला। और फिर इज्जत अपने फादर के पास आती है जहाँ पर वो अभी भी थोड़ा सा जिंदा होते हैं। और फिर इज्जत के फादर उसको बोलते हैं, इज्जत जैसा मैं तुमको कहा था कि हम इसलिए हारे क्योंकि हम उतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, यही हमारी किस्मत है, कभी भी कमज़ोर मत बनना इज्जत, कभी नहीं। और फिर प्रेजेंट में इज्जत बोलते हैं, और उसके बाद मैंने डेंजर बीस्ट का शिकार किया और अचानक से मैं एक इंपीरियल ऑफिसर बन गई, और डेंजर बीस्ट को छोड़कर मैं अब इंसानों का शिकार करती थी, और यही मेरी कहानी थी। और फिर तासमी बोलते हैं, मुझे समझ आ गई, तुम नॉर्दर्न ट्राइब से बदला चाहती थी इसलिए तुम उन सभी को इतना ज्यादा हेट करती थी। फिर इज्जत बोलते हैं, देखने में शायद ऐसा लगता होगा लेकिन मैं उनको हेट नहीं करती थी। तासमी बोलता है, लेकिन मैंने तो सुना था कि तुमने हजार नॉर्दर्न ट्राइब वालों को जिंदा ही जमीन में काट दिया। फिर इज्जत बोलते हैं, वो तो मैंने एक एग्जांपल सेट करने के लिए किया था मेरे फादर के साथ जो है वो गलत था, लेकिन ये बात भी सच है कि वो कमजोर थे। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें कुछ भी बता सकते हो, जो चाहो तुम मुझसे पूछ सकते हो। और फिर तासमी बोलते हैं, मैं तुम्हारा इंपीरियल आर्म देखना चाहता हूँ, वो कैसा दिखता है। और फिर इज्जत तासमी हाथ पकड़कर अपने चेस्ट के ऊपर के उस निशान के ऊपर लगाकर बोलते हैं, यसा। और फिर इज्जत यहाँ पर हमें अपने इंपीरियल आर्म मिलने की कहानी बोलती है, वो बोलते हैं, कुछ सालों पहले मुझे ये मिला था। और फिर दिखाते हैं यहाँ पर बहुत कुछ बोला जाता है, लेकिन मैं शॉर्ट में बोलता हूँ, इज्जत यहाँ पर अपने लिए एक इंपीरियल आर्म ढूंढने के लिए आया था लेकिन उसको कोई अच्छा इंपीरियल आर्म मिलता नहीं है। और फिर वो सामने देखता है तो वहाँ पर एक जार के अंदर कुछ रखा होता है, और वो बोलती है, अभी ये क्या चीज़ है। और फिर मिनिस्टर बोलते हैं, इसके अंदर एस क्लास डेंजर बीस्ट का खून है, और इसको पीने के बाद तुम्हारे अंदर उस एस क्लास डेंजर बीस्ट की एबिलिटीज आ जाएंगी, लेकिन जिसने भी इसको पीने की कोशिश की वो पागल हो चुका है। और फिर इज्जत उस जार को लेकर बोलती है, अगर इसको पीने की कोशिश की तो मैं पागल हो सकती हूँ, बहुत बढ़िया, अगर मैं इसको पी नहीं सकती तो मेरे जिंदा रहने का भी कोई फायदा नहीं, मुझे मर ही जाना चाहिए। और फिर इज्जत उस खून को पूरा का पूरा पी लेती है, जिसके बाद इज्जत की बॉडी के अंदर रिएक्शन होना शुरू होता है, और अब इज्जत को अपनी पावर मिल चुकी है। लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैंने इसको बहुत समय पहले ही मास्टर कर लिया है। फिर तासमी बोलता है, तो इसी वजह से तुम लोगों को टॉर्चर करती हो। और फिर इज्जत बोलते हैं, नहीं मैं तो वो इंजॉयमेंट के लिए करती हूँ। फिर तासमी बहुत ही ज्यादा घबरा कर सोच रहा होता है, उसने
उसने वो सब बदले के लिए नहीं किया और ना ही ये डीमन का खून इसको पागल किया है। ये लड़की शुरुआत से ही ऐसी ही है। ऐसी पर्सनैलिटी को कौन चेंज कर पाएगा? विश्वास नहीं होता मैं इसको बेवकूफ बनाने चला था। मैं सच में बहुत ही बड़ा बेवकूफ हूँ। और फिर दिखाते उस बंदे को जिसने तासमी और इज्जत को इस जगह पर लाया होता है और फिर अपने इंपर आर्म को यूज करके फिर से उस पोर्टल को एक्टिवेट करता है। और इस बंदे के पीछे एक लड़की होती है, वो बोलते है तुम वहाँ क्या कर रहे हो? और फिर लड़का बोलता है चुप कर कुतिया। और फिर लड़की बोलते है तेरे लैंग्वेज के अलावा बाकी सभी चीजें तुम्हारी ठीक ठाक ही है। और फिर लड़का बोलता है मिस्टर मेरा बाप है इसलिए मैं जो भी करूँ। और फिर लड़की बोलती है वो इंसान तुम्हारा बाप है। और ये फंदा जल्दी से इस लड़की के पेट के ऊपर बहुत ही जोरदार पंच मारकर इसको ज्ञान की बातें देने लगता है, जिसको अगर मैं देने लगूँ तो मेरे मुझसे गालियाँ निकलेंगी इसलिए जाने दो। और फिर आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर तासुई बोलता है तो तुम्हारा दूसरा रास्ता क्या था? और फिर इज्जत बोलते हैं यहाँ पर कुछ डेंजर बीस्ट हैं जो कि हमें अपने ऊपर लेकर जाएंगे। फिर दिखाते हैं एक डेंजर बीस्ट हवा में से उड़ रहा होता है, जिसको देखकर इज्जत बोलते हैं मैं इसको भी पकड़ कर लाया। और फिर तासुई बोलता है लेकिन तुम उसको कैसे पकड़ोगी? लेकिन इज्जत तब तक वहां से जा चुकी होती है। और फिर दिखाते हैं वहां पर वो पोर्टल फिर से ओपन होता है, जिसको देखकर तासुई बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और फिर वो दुखी होकर सोचता है उस समय के बारे में जो उसने इज्जत के साथ इस जगह पर बिताई है। फिर तासुई पीछे मुड़कर इज्जत से चिल्लाकर बोलता है इज्जत मैं ऐसे जा रहा हूँ। और फिर इज्जत उसको चिल्लाकर बोलते नहीं मत जाओ। और फिर तासमी वहां से चला जाता है। फिर दिखाते हैं इज्जत भाई पर ही आते हैं जहां पर वो पहले थी। और फिर वहां पर तासमी नहीं होता, जिसको देखकर इज्जत बोलते हैं वो गया कहां? वो एक पल में यहां से गायब तो नहीं हो सकता। और फिर तासमी को दिखाया जाता है जो कि इन कर्स को पहनकर इनविजिबल होकर वहां पर बैठा होता है। इसके बाद इज्जत सोचती है मैं तुमको फिर से खो दिया, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम फिर से दोबारा जरूर मिलेंगे, लेकिन जब हम मिलेंगे तब मैं तुमको अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी और मुझे लग रहा है कि हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे। और तासमी बोलते हैं हाँ जरूर हम बहुत ही जल्दी मिलेंगे, लेकिन जब हम मिलेंगे तब हम दोस्त नहीं दुश्मन होंगे। तो इसी के साथ इस एपिसोड की एंडिंग यहीं बड़ी हो जाती है। तो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।